बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग में हमारे साथ हैं मिस्टर हसन अली, सीएसएस और पीएमएस क्वालिफायर हैं और इंग्लिश ऐसे को प्रिपेयर कराते हैं, तो इनसे जानते हैं इनके जर्नी के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ और आजकल ये क्या कर रहे हैं। सो ओवर टू यू मिस्टर हसन। मेरा नाम मलिक हसन अली है और सीएसएस 2018 का मैं क्वालिफायर हूँ और क्वालिफाई मैंने किया उसको। उसके बाद ये है कि मैं एमएलसी में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ विद मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा ये है कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक और एफएससी जो है वो जिसको हम सो कॉल्ड साइंस सब्जेक्ट्स कहते हैं उनके अंदर है। बीए लेवल पर मैंने 2 डिग्रीज की, यानी बीएससी पहले किया और वो डबल मैथ्स फिज़िक्स में था पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे रावलपिंडी में सर सैयद कॉलेज है वहाँ से। और उसके बाद मैंने प्राइवेट बीए किया और प्राइवेट बीए करने के बाद उसकी बेसिस पे मुझे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला पॉलिटिकल साइंस और आईआर के अंदर। मेरा एमएससी है विद गोल्ड मेडल। ओके सर, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डालूंगा। आप देखिए, आपने बीएससी स्टार्ट किया जी, जी तो आपका बीएससी फेल हुआ फिर आपने बीए किया। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बल्कि मैं बिल्कुल शॉर्ट सा करके बता देता हूँ कि हमारा जो एक आप कह लें कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो आपके सोशल स्ट्रक्चर्स हैं और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिफाइंड होते हैं कि भाई बेटा तुमने साइंस में मैट्रिक करना है, फिर प्री इंजीनियरिंग करनी है, फिर इंजीनियर बनना है या प्री मेडिकल करके डॉक्टर बनना है। तो वही चीज़ हम फॉलो कर रहे थे। उसमें हुआ क्या कि मैट्रिक तो बड़े मज़े से साइंस से हो गई क्योंकि उसमें तो कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं होती। एफएससी भी बड़े अच्छे मार्क्स में हो गई, प्री इंजीनियरिंग में हो गई। उसके बाद से मसला ये हुआ कि जो एक ब्रेन वॉशिंग की जाती है इंटर के अंदर बच्चों की, जो प्री इंजीनियरिंग के भाई आपने इंजीनियर ही बनना है और वो आपने यूईटी या नर्स से ही बनना है, ठीक है ना, तो उसका हम भी शिकार थे। तो वो जब नहीं हुआ तो फिर हमने एक अल्टरनेट के तौर पर, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो बीएससी डबल मैथ्स फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। वो फिर थर्ड ईयर के मिड में कहीं जाके ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये फंस गए, ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं है। बीइंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट के मेरा स्कूल कॉलेज सब जो है विद टॉप था और यहाँ पे आके अगर मैं फंसता था तो मेरे लिए एक रेड फ्लैग था कि भाई ये चीजें सही नहीं हो रही। यानी कि सर ये फेलियर से गोल्ड मेडल तक का जो सफर है, इस दरमियान आप इस गलती को अपनी गलती कहते हैं, पेरेंट्स प्रेशर कहते हैं और क्या एडवाइस देते हैं? इसको मैं कहता हूँ जिस तरह मैंने कहा कि सेट पैटर्न्स हैं हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के, वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को नहीं देखते, वो बच्चों के एप्टीट्यूड को नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि भाई फलाने ने ये किया है, मेरे बड़े भाई ने ये किया तो उनके बच्चों ने ये किया तो मेरे बच्चे भी यही करें, मेरे पड़ोसी के बच्चों ने ये किया तो मेरे बच्चे भी ये करें। तो ये जो देखा देखी वाला सिस्टम है, एक सेट पैटर्न है, उसका मैं ब्लेम ज़्यादा दूंगा क्योंकि पेरेंट्स को सच्ची बात है इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। इवन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी इतना ज़्यादा उनका ये एक्सपोजर नहीं होता। स्पेशली मैं ब्लेम करूंगा जो हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग हैं सारे हैं ही नौकरी पेशा, तो वो एक ख़ास लाइन को लेके चलते हैं और उनके तहत वो यही है कि साइंस मैट्रिक, साइंस एफएससी, फिर इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन रहे जाए, उसके बाद यह है कि आपको जॉब मिले। तो वो जब नहीं होती तब बंदों को रियलाइज़ होता है कि यार और अल्टरनेटिव्स भी हैं। कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और आप कह लो कि बहुत पीछे चले जाते हैं, जिन चीज़ों लोगों को रियलाइजेशन होती है तो फिर वो कहीं जाकर चीज़ों को बेहतर करना भी शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल के जो मैट्रिक और एफएससी का बच्चा है जी जी, वो जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए क्या सिर्फ पढ़ाई करे या स्किल्स पे फोकस करे, उसको क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, जो मैट्रिक का बच्चा है या एफएससी का बच्चा है उसको सबसे पहली बात तो ये है कि वो इतना वो खुद सेंस नहीं कर पाता चीज़ों को, और ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है, हमें भी बाद में जाके पता लगा कि मामला भाई ये तो गेम ही उल्टी चल रही है, ठीक है। तो मैं उनके पेरेंट्स को पहले एड्रेस करूंगा कि आप बच्चे के एप्टीट्यूड को समझें, ठीक है। हर बच्चा साइंस पढ़ने के लिए, हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं वो बच्चा नाकार है, उसके आप मिजाज को देखें कि वो किन चीज़ों में अच्छा है और उसके मुताबिक आप उसको सब्जेक्ट्स दें। यानी होता हमारे यहाँ ये है कि इवन जो सोशल साइंसेज में भी, आगे हम बीएस पे भी बात करेंगे, जो बच्चे सोशल साइंसेज बीएस में लेते हैं उनका भी बैकग्राउंड मैट्रिक एफएससी का क्या होता है, उन्होंने साइंस पढ़ी होती है। जब इवेंचुअली उन्होंने उधर शिफ्ट करना है तो आप उनको पहले से ही वहां पर डालें ताकि उनकी बेस अच्छी हो और उस लेवल पे वो एक्सेल करे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को रियलाइज करना चाहिए, अपने बच्चे के एप्टीट्यूड को देख के वो पढ़ना चाहिए, बेशक वो कोई सो कॉल्ड आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी वर्थ मार्केट में है अगर आप उसको अच्छे तरीके से करें। और साथ क्या वो कोई स्किल पे भी फोकस करें इसके दौरान। दूसरी चीज ये है कि देखें, ये एक चीज लिंक हो जाती है कि हमारे यहाँ कल्चर और स्पेशली हम जहाँ बैठे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ पर नौकरी पेशा लोग बहुत ज्यादा है, जॉब्स करते हैं और एक
माइंड सेट यहाँ पे डेवलप हुआ है कि बच्चे ने बड़े होकर जॉब ही करनी है, ठीक है। तो जब जॉब करनी है तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन। आपने देखना है ऐसी जगह पे आपने बच्चे को नहीं भेजना जो पहले ही सैचुरेटेड हुआ है, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं होगा, ठीक है। स्पेस कहाँ पे क्रिएट होगा, जहां पर लोग कम जा रहे हैं लेकिन जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें टेक्निकल नेचर की जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। प्लस एक जो मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता हूँ कि बजाय बाद में आप सारी डिग्रियां करके आपको अंदाजा हो कि भाई मुझे स्किल सीखनी चाहिए, मैट्रिक से आप बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखाएं, ठीक है। शॉर्ट हैंड जो है इस वक्त सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे सेफेस्ट वे है टू गेट योर जॉब एज एन असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी इन फेडरल गवर्नमेंट एट 16 के, ठीक है। तो जब आप 16 से स्टार्ट करेंगे और वो बच्चा ही है मैट्रिक करके, अब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एफएससी की दैट इज 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, तो अगर उसने मैट्रिक एफएससी में शॉर्ट हैंड कर ली, बीए बीएससी पहुंचते तक वो बहुत ज्यादा पॉलिश हो चुका होगा, ठीक है। तो स्किल में आप उसको क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल नेचर के काम बच्चों को सिखाएं। अब वो दौर गुजर गया कि भाई हमारा बच्चा जो है ना साइंस ही पढ़ेगा और ये करेगा, जो पढ़ने वाले वो पढ़े भले, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। दूसरा, उनको इंग्लिश पे भी आप तैयार करें। इंग्लिश इस माशरे की, इस वक्त की जरूरत है। इंग्लिश रिटन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन पे उनकी कमांड होनी चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरकारी जो जॉब है ना, इसकी वर्थ खत्म नहीं हो रही। सही, सही। अगर जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, इसमें इसकी जरूरत भी है। सही। तो एक बच्चे को इसकी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी। अब इसमें देखें, सरकारी जॉब बिल्कुल उसका ये है कि इसको समझा जाता है शॉर्टेस्ट वे फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू सिक्योर अ वेल और गुड स्टेटस इन लाइफ, ठीक है। तो इसमें वही जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो बच्चे को इंग्लिश पे कमांड आप सिखाएं, ठीक है। दूसरा, उसको टाइपिंग स्किल सिखाएं, यानी उसको अगर ये है कि वो शॉर्ट हैंड, जाहिर बात है वो भी स्किल की बात है, हर बच्चा नहीं सीख पाएगा लेकिन कुछ सीख जाएंगे, तो जो रह जाते हैं कम से कम उनको टाइपिंग आती हो, उनको एमएस ऑफिस की जो स्किल्स हैं वो आनी चाहिए, टेक्निकल नेचर का काम आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें वो करेंगे तो वो बेहतर तरीके से चल पड़ेगा, ठीक है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप माशाल्लाह सीएसएस की क्वालिफायर हैं, बीएमएस क्वालिफायर हैं, एक बच्चा बीएस कर रहा है, फोर इयर्स ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो इसके फौरन बाद वो अटेम्प्ट देना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इस डिग्री के दौरान उसके पास काफी टाइम होता है, वो क्या चीजें ऐसी करेगी जिससे वो डिग्री करने के बाद इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सके या इस तरह पास, ठीक है। इसमें देखिए दो केसेस आ जाते हैं, एक वो है जिन्होंने एफएससी या एफए कर ली है और अभी शुरू नहीं किया बीए बीएससी या बीएस, और दूसरे जिन्होंने शुरू कर लिया, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जिन्होंने शुरू नहीं किया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पहले से ही अगर उनके जहन में है कि उन्होंने सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, तो वो मैक्सिमम वो सब्जेक्ट रखें जो आगे उनको काम आए, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन को ओवरलैप कर लें। और इसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे पहले आप सिलेबस उठा के देख लो सीएसएस पीएमएस का, उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो, उसके बाद अपनी डिग्री में से आप चीजों को रखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपनी डिग्री करते जाओगे वही सब्जेक्ट आपके पक्ष से पहले तैयार हो जाएंगे। चलिए सर, मैं यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, एक बच्चा है सपोज वो बीएस केमिस्ट्री कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अब उसका इस सीएसएस के सब्जेक्ट से लिंक इतना ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है, इस दौरान कौन सी थोड़ी थोड़ी चीजें करे कि उसकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, उसका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें भी इम्प्रूव हो और वो बेहतर दौर पे एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इसको भी दो एंगल से देखते हैं। एक तो ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि केमिस्ट्री वाला जो है वो केमिस्ट्री रख के सीएसएस नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखें, मुझे बताएं कि जिसने बीएस केमिस्ट्री में किया अगर वो नहीं कर सकता तो केमिस्ट्री फिर कौन करेगा सीएसएस की, तो लेवल तो वही है, सिर्फ होता ही है कि क्योंकि आप बीएस करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो फिर आपकी चीजें वो रिवाइज नहीं हो रही होती, आप स्ट्रगल करते हैं उसमें। तो आप जब पहले से ये सोचेंगे कि यार ये चीज मैंने बीएससी में या बीएस में कर रहा हूं, आगे उधर भी करनी है, तो आप उस माइंडसेट से उसको तैयार करेंगे और वो मसला नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जाहिर बात है कुछ सब्जेक्ट्स आपको बाहर से भी रखने, उनमें सबसे पहले ये कि इंग्लिश पे आपकी कमांड हो। वो कैसे होगी, यूज लाइब्रेरी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जिस बच्चे ने बीए बीएससी के दौरान या बीएस के दौरान अपना रिश्ता जो है लाइब्रेरी से एस्टेब्लिश कर लिया, यानी डेली कुछ ना कुछ वो लाइब्रेरी में दे रहा है,
सब कॉन्शियसली वो चीजों को तैयार कर रहे हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अखबार पढ़ने की आदत, ठीक है, न्यूज पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में भी फायदा है, नॉलेज मिलेगी, लेकिन इंग्लिश की आपकी स्किल पॉलिश नहीं होगी, ठीक है। और तीसरी चीज है राइटिंग, यानी अपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए टीचर्स के जो आपका इनपुट आपको आता है उनसे, आप उसको सीरियस लें। अगर आपका टीचर उस लेवल पे, जो टीचर्स होते हैं उनको काफी चीजें बहुत बेहतर पता होती हैं, आप बहुत अरसा आगे जाके उन्हें समझते हो, ठीक है, तो उनके जो फीडबैक है उसको आप पॉजिटिव लें। तो ये चीजें कुछ इनको आप करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। यानी ये बेसिक है, चंद वो जो कर लें 2 साल 2.5 साल में काफी अच्छी पोजीशन। और जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए सारी ये टेक्निक, सिर्फ माइनस आप ये करेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब उन्होंने जो रखी है ना, अब पहले से वो चॉइस खत्म हो गई, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स वो आगे बीएमएस सीएसएस में उठाएंगे। अब आते हैं सीएसएस के मुश्किल मरहले पे, ठीक है, कि ऐसे का जो है ना वो बड़ा हवा बना हुआ है कि बहुत मुश्किल है, क्लियर नहीं होता, फिर रिजल्ट देखा जाए तो और ही डरावना होता है, 2-3 नंबर होते हैं ऐसे के अंदर, तो प्लीज इसको डिटेल से जरा एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्या ये वाकई इतना मुश्किल है या इसको क्लियर करना आसान, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें ऐसे जो है ना उसका बहुत ज्यादा, जैसे कि सुहेल मेरे सामने बैठा है एंड ही कैन टेस्टिफाई एज वेल कि ये हमारे पास आके पढ़ता रहे, कि एसे इज नॉट अ वेरी टफ नट टू क्रैक। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिस तरह आपने इन चीज़ों को करना है, तो और वो क्या है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये बात तो तयशुदा है, ठीक है। कौन सी इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, ठीक है, जिस तरह इसको मैं कहता हूँ फंक्शनल इंग्लिश, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश में, अभी उर्दू में तो मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जो वोकैबुलरी में आप लोगों की ऑलरेडी ना हो, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ इंग्लिश, ये लेवल ऑफ उर्दू चाहिए। हाँ, इसको आपने गलत नहीं लिखना, इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश आपके माइंड स्ट्रक्चर में है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सही लिखना है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक ना हो, ये सिंपल सा असूल है, इसको आप फॉलो करें तो आपकी इंग्लिश का ऐसे क्या है बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ आती है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो उसमें यह है कि जैसे हम अपनी चीज़ों को लिंक कर लेते हैं पहले से, कि अगर कोई स्टूडेंट बीएस का तैयारी कर रहा है या बीएससी का कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्सिटी से कर रहा होगा, ठीक है, तो अगर वो वहीं पे लाइब्रेरी के रिसोर्स को अवेल करता है फॉर रीडिंग, तो जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनको अवेल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कोई खड़ूस किस्म का टीचर मिले, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, और इस बात को वो इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम में जाकर उनसे कोई सवाल करो, कोई चीज पूछो, दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन, ठीक है। तो आप कोई भी चीज जब अपनी लाइब्रेरी में पढ़े, किताब में से या कोई न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़े, तो उसको कोशिश करें कि एक आध पेज की राइटअप की सूरत में लिखें, अपने टीचर से चेक करवा लें, ठीक है, यानी कि डेली रूटीन वाला कोई भी टॉपिक वो लिख ले, 2-3 लाइनें लिख ले, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसकी इंप्रूव होती है, बिल्कुल, कोशिश करें एक पैराग्राफ, ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा राइटअप, ताकि एक लेंथ वाली जो राइटिंग है उसमें आपकी जो है ना इवेल्युएशन एक हो जाए। सर, क्या मैं इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं इस सेंस में कि जिस तरीके से हमारी एक मादरी लैंग्वेज अगर पंजाबी है, शुरू से वो बोलते हैं तो हमारे वो ज़हन में बैठ जाती है, क्या इंग्लिश का भी ऐसा ही फेनोमेना है कि अगर रोजाना की बुनियाद पे बच्चा वो बोलता है या लिखता है तो वो उसके ज़हन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का यही टेक्निक है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं उसको बोलना शुरू कर दें, उसको सुनना शुरू कर दें, उसको लिखना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो खुद ब खुद कुछ अरसे के अंदर आप कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करते हैं वो तैयार हो जाएगी। ओके सर, ऐसे के बारे में बहुत जगह पे ये डर का एक बिजनेस है जी, जी, कि जी, बहुत कोई अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत हाई इंग्लिश लिखनी है, बिल्कुल, तो क्या ऐसा ही है? देखिए, इंग्लिश होनी चाहिए वो इंग्लिश लगे, पहली बात है, ठीक है, उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये हाई लेवल जिसको मैं अपनी जॉर्गन जिसको मैं उसके लिए यूज करता हूँ, वोकैबुलरी की उल्टी, वो आपने शीट पे नहीं करनी, क्योंकि देखें आपने अपनी बात कन्वे करनी है ताकि वो अगले को उस तरह से पहुंचे भी तो सही ना। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखेंगे तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी क्योंकि तवज्जो होगी फ्रेज बनाने में, तो आप कंटेंट नहीं डाल सकेंगे, इंसानी माइंड की कुछ लिमिटेशंस है ना, साइमल्टेनियसली बहुत से काम वो अगर कर भी पाए तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो बिल्कुल सादा इंग्लिश लिखनी है, एक बीए लेवल की आप इंग्लिश समझ लें, ठीक है, बीए के पेपर दे के जो आप पास करते हैं वो इंग्लिश हो, सिर्फ ग्रामर की गलतियां हटा लें तो दैट इज ओके, बाकी सारा कुछ जो है वो बाकी आपने जो टर्म दी कि वो डर का बिजनेस है तो वो बिजनेस ही है, ठीक है ना, वो कोई उसके अंदर प्रैक्टिकल मेरिट नहीं है। मैंने बिल्कुल सिंपल, अब जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे फॉलो करते हैं मेरे राइटअप्स, उन्होंने देखे होंगे कि मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं लिखता, इसके बावजूद ये है कि सीएसएस 2016 में मेरे एसए में 50 मार्क्स थे, 2018 में 40 थे, बीएमएस 2015 में 53 थे,
यानी मैंने 3 कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, मेरा ऐसे तीनों में पास है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे पास करना तुक्का भी नहीं है, नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रैक्टिस हो तो वो आप क्लियर कर सकते। बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बट ग्रामर की कोई खास, जिसको कहते हैं ना कि जो एक्सेंट वाली इंग्लिश, इस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं टेढ़े मेढ़े मुंह बना के, तो वही जिसको जब आप लिखने की कोशिश करते हैं ना टेढ़े मेढ़े अल्फाज डाल के, तो वो बेहतरी आने के उल्टा इट बिकम्स डिजास्टर। राइट सिंपल बट विद करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सर थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल टू टॉक टू यू। अगर कोई बच्चा आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है या वो पूछना चाहता है तो जी जी, बस मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 03045910284, ठीक है, 03045910284, इस पे आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस। व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे मुझसे राब्ता करें तो इंशाल्लाह कुछ डेज के अंदर मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। और उससे हमारी जो आदत है ना वो कॉल करने की, तो ज्यादा बेहतर नहीं, कॉल असल में मसला ये होता है कि रूटीन इस तरह की है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं, चले इसमें आपका ये आंसर भी हो जाएगा कि मैं कॉल नहीं ले पाता, कि मैं बाजू का, अब जिस तरह ये इंटरव्यू चल रहा है इसमें कॉल आ जाए तो आप मुझे खुद बताएं ना मैं कैसे लूंगा, ठीक है। तो वो क्लासेस होती हैं, ऑफिस होता है, बाकी मामला होते हैं, तो कॉल नहीं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप करेंगे। सो इट वॉज द इंटरव्यू विद मिस्टर हसन अली, आपने उसको सुना और CSS के बारे में उन्होंने बताया, अपने जर्नी के बारे में बताया, होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए।